अगला है आपका फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ विंड इरोजन, ठीक है, वायवीय मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, वायवीय मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारकों को एक वैज्ञानिक है चीपल एंड उदरफ 1963, चीपल एंड उदरफ, उदरफ 1963 में, ठीक है, इन्होंने एक फार्मूला दिया है, ठीक है, एक सूत्र द्वारा जो है इन सभी कारकों को एक सूत्र द्वारा या समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया है। ई बराबर है यफ आई सी के एल वी, ठीक है, ई बराबर है मर्दा हानि, ठीक है, टन प्रति हेक्टर प्रति ईयर, ठीक है, यह बराबर है कारक, ठीक है, आई बराबर है मृदा क्षारीयता, ठीक है, और सी बराबर है जलवायु, ठीक है, और के बराबर है मर्दा सतह का, हाँ, खुदरा पन, यल बराबर है प्रचलित प्रचलित वायु की दिशा में क्षेत्र की चौड़ाई, ठीक है, अब बी बराबर है वनस्पति, ठीक है, वनस्पति, वायवीय मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारकों को चीपल एंड उदरफ, ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1963 में ये एक सूत्र या समीकरण दिया, ई बराबर है यफ आई सी के एल बी, ठीक है, ई बराबर है आपका मृदाहान टन प्रति हेक्टर प्रति ईयर, यह बराबर है फैक्टर कारक, आई बराबर है मृदा क्षरणीयता या सॉइल इरोडिबिलिटी, सी बराबर है क्लाइमेट, के बराबर है मृदा सतह का खुरदरापन, यल बराबर प्रचलित वायु की दिशा में क्षेत्र की चौड़ाई, ठीक है, बी बराबर है वनस्पति। इन सभी कारकों को मुख्य रूप से चार कारक हैं, पहला है जल वायु कारक, ठीक है, अब जलवायु कारक में कौन कौन है आपका, वायु की प्रकृति, ठीक है, वायु की प्रकृति में जो है आपका हवा का वेग, वो हवा का विक्षोभ, ठीक है, भंवर जिसको कहते हैं, बहाव की दिशा, बहाव की अवधि, ठीक है, ये सभी कारक है, ठीक है, दूसरा है आपका वर्षा, ठीक है, तीसरा है आपका तापमान, ठीक है, चौथा है आपका आर्द्रता, ठीक है, ये जलवायु कारक हैं, ठीक है, दूसरा है आपका सॉयल करेक्टर्स, ठीक है, मृदा के लक्षण, ठीक है, या ये कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका जो है सॉइल मृदा संरचना, ठीक है,
मृदा गठन, ठीक है, मृदा संरंधता, ठीक है, मृदा घनत्व, ठीक है, मृदा कार्बनिक, पदार्थ, ठीक है, और मृदा आर्द्रता, ठीक है। ये आपके जो मृदा के लक्षण हैं, सॉयल करेक्टर्स में मृदा संरचना, मृदा गठन, मृदा संरचना, मृदा घनत्व, मृदा कार्बनिक पदार्थ और मृदा आर्द्रता, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल हैं, वही सब जो है मृदा के लक्षण में है, ठीक है।